नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर ग्राउंड रिपोर्ट कर्नाटक बेंगलोर से। बेंगलोर में किस तरह से माहौल है, क्योंकि राजधानी है और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कर्नाटक के लोग नहीं, देश बसता है बेंगलोर में। अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं यहाँ। वे तमाम लोग किस तरह से देख रहे हैं इन चुनाव को, क्या वोट डालेंगे और वोट डालेंगे तो किस मसले पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनावी बिसात में माहौल बहुत साफ है। जिस तरह की बढ़त भाजपा को लग रही थी, उस तरह की बढ़त होती नहीं दिखाई दे रही, कम से कम आज की तारीख में। इस सिलसिले में हमने बातचीत की कुछ पत्रकारों से, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से जिनका लंबा अनुभव रहा है, जिन्होंने देखे हैं अनगिनत चुनाव कर्नाटक में। आइए देखते हैं, टटोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक में चुनावी नब्ज क्या कह रही है। दिस कर्नाटका इलेक्शन इज बीइंग फॉट ऑन थ्री सीज। नंबर वन इज करप्शन, नंबर टू इज कास्ट, नंबर थ्री इज कम्युनल पोलराइजेशन। करप्शन तो हटा नहीं, हमने देखा पिछले 5 सालों में, 6 सालों में कोई करप्शन बिल्कुल नहीं हटा। कर्नाटका में भी करप्शन हुआ है, हर जगह करप्शन हुआ है। करप्शन और ऐसे किसी व्यक्ति, किसी एक पार्टी के इनिशिएटिव से हट भी नहीं सकता, और भाजपा में ऐसे इनिशिएटिव है भी नहीं है। तो ये तो कोई साधारण इंसान इस बात को मानती भी नहीं है। यहाँ पे लोग चाहते हैं प्रगति, मगर भाजपा कोई प्रगति ला ही नहीं सकती। भाजपा यहाँ पे सिर्फ लोगों को बांट रही है और सांप्रदायिक दंगाएं करवाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए गड़बड़ क्यों हुआ? Local failure of the local leadership, bad governance and the mishandling of the state machinery. क्या करप्शन जिसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है 40% वो जमीन पे कुछ है? क्योंकि करप्शन तो मुद्दा बनता नहीं चुनाव में। What I want to say is, when everything goes well, corruption is not an issue. If everything is not going well, then everything becomes the problem. Then corruption is also become the issue. The corruption is the issue now in Karnataka, and it is not in the studios or it is not in the newspapers. It is an issue in the grassroots level. It is a big joke, you know. If Modi is saying they are going to eradicate, you know, corruption, so Karnataka government is now known as a 40% government. For corruption, they have set a new benchmark. So if they say they are going to eradicate corruption, I think it is nothing but a joke. यहाँ पे हमने देखा कि मुसलमान औरतों के साथ क्या हुआ। उनको परीक्षा लिखने नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि अगर आप हिजाब पहनोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। उनको चुनना पड़े अपने हिजाब, अपने फेथ और अपने पढ़ाई के राइट्स के बीच में। तो ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इस सरकार को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, और कर्नाटका का चुनाव इस मायने में बहुत ज़रूरी है। The opposition, you know, assume that it is a cakewalk for them. I don't believe so. I think they have to have their guards up against, you know, the designs of RSS and BJP, because they will go out of the way, they will do anything to retain power. BJP के लिए बहुत मुश्किल है अब इस election में, क्योंकि तो के selection of candidate they made a mistake. Earlier those who are the strong at the field, they were reserved, the ticket was not given to them. That is the reason, main reason. They left the BJP, then joined the JDS. Then there was a straight fight between BJP and Congress in many constituencies of northeast part of Karnataka. The fight was between Congress and BJP. Now it becomes a triangle fight. In triangle fight, North Karnataka mein, Congress is ahead of the BJP. Jee. That is why BJP is losing there. Jee. In coastal Karnataka and in southern Karnataka, कोस्टल कर्नाटक का BJP इज बेटर देन, दे आर कीपिंग देयर ओन होल्ड, बट इन सदर्न पार्ट द बैटल इज बिटवीन कांग्रेस एंड JDS। एनीवन कैन देयर इज, हां देयर इज नो स्पेस फॉर BJP हियर। रेबल JDS कैंडिडेट हेल्प्स द कांग्रेस बाय स्प्रेडिंग द वर्ड्स ऑफ BJP। तो इस बार कर्नाटका का चुनाव बहुत ही ज़रूरी चुनाव है, क्योंकि हमारे देश में जो फासीवाद का उत्थान हम देख रहे हैं, यहाँ पे कर्नाटका एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी जैसे बन गया है। जो यूपी में हम देखते हैं, जो दूसरे इलाकों में देखते हैं भारत में, वो सब कुछ यहाँ पे पहले टेस्ट किया जाता है। वी आर ऑल्सो सीइंग दैट कर्नाटका इज सीन एज अ लेबॉरेटरी इन साउथ इंडिया फॉर RSS। सुपरफिशियली और फ्रॉम द स्टूडियोज फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम
other parts of country, people may think that Karnataka has become the, what do you say, laboratory of Hinduism. Everything is fine. But go back and see how much percentage of what BJP got, even in the last election, whether they got the absolute majority in Karnataka up to now. सिर्फ चुनाव से भाजपा को हटाया नहीं जा सकता, और भाजपा का जो असर है वो सिर्फ चुनावी असर नहीं है, वो हमारे समाज में बहुत बहुत गहरी उसकी एक प्रभाव है, जो कि फासीवाद का उत्थान इसी से होता है, जब समाज में बहुत गहरी प्रभाव होता है. I still believe that majority of the Hindu community, they are still neutral, they are still human, they are still secular because of people like Basavanna and because of the progressive cultures Karnataka has seen because of people like Kuvempu and things like that. But the only problem is this majority of the people who are not communal, who are not playing into the politics of hatred, but they are remaining silent. सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से भाजपा को नुकसान कर्नाटक के किस इलाके में होने वाला है? नॉर्थ एंड नॉर्थ कर्नाटक में. उत्तर कर्नाटक. That was the strong area of the BJP. They took over the power from the Congress. Southern part is the battle between JDS and Congress. BJP is not a major player in the southern part of the Karnataka, that is especially old Mysore part. In northern Karnataka only, the fight is between Congress and BJP. BJP underestimated the power of the Karnataka voters, and that is going to give it back them in entirely different in this election. This is the general feeling I am talking, it is not my personal opinion. Hum naujawan zarur hain, magar Tejaswi Surya hamare pratik nahi hai aur hamare desh ke naujawanon ke pratik bilkul bhi nahi hai. Hamare desh ke naujawan ek loktantrik tarike se aage badhna chahte hain, jo ki Tejaswi Surya bilkul bhi represent nahi karte. Humko chahiye naukriyan, kyunki jo naujawan hai wo padhai kar rahe hain, padhai khatam karke unko naukri chahiye hogi. Naukri ki baat wo karte nahi hain, wo kehte hain ki startup se apne aap kuch bhi generate ho jayega, aur startup ke naam pe kya ho raha hai wo bhi hum dekh rahe hain. Aur Tejaswi Surya se to sawal bhi nahi pooch sakte, wo South Bangalore mein rehte hain, wo प्राथमिक तरीके से लोगों को एड्रेस थोड़ी ना कभी करते हैं. सो मोदी इज ही हैज ऑलरेडी कम हियर यू नो मोर देन डजन टाइम्स इन द लास्ट 3-4 मंथ्स एंड ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कैंप हियर नेक्स्ट 10 डेज. सो लाइक अदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, कर्नाटका इज ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन मोदी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. लोग अभी मैं जब से आई हूँ तब से बेंगलोर में लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा चलने वाला है, इस बार 3 times मोर मिलेगा. दे विल टेक इट, दे विल टेक फ्रॉम बीजेपी, दे विल टेक इट फ्रॉम कांग्रेस, दे विल टेक इट फ्रॉम जेडीएस, दे विल टेक इट फ्रॉम एनीवन, इवन इफ आप गिव्स दे विल टेक इट, बट दे एट द एंड ऑफ द डे वेयर व्हेन दे गो इनसाइड द बूथ दे नो वेयर एग्जैक्टली दे हैव टू प्रेस द बटन, व्हिच बटन दे वांट टू प्रेस. दे आर नॉट बॉदर अबाउट गेटिंग द माइनॉरिटी वोट्स. They are not worried about Christian votes or Muslim votes. So they want to consolidate Hindu votes. The present Chief Minister of Karnataka himself is saying hijab and halal is not an issue in this election. Why is he saying that? Because they also know that if they make an issue out of it, they will not get anything from that. तो क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट consolidate नहीं हुआ? To be very honest with you, in Karnataka, this Hindu-Muslim thing will not never work and never is going to work. Yeah, earlier also Karnataka is known for its harmony and the together livingness. Karnataka was never in favor of the split of the based on the religions. When the BJP came into the power also, based on the caste politics they came here, they took the power, not as the religion, as the splitting. मतलब लिंगायत. Yeah, लिंगायत, लिंगायत. Lingayat rejected the Congress. They don't have the alternative. They pick the BJP for that. Yediyurappa was the biggest leader. Yeah. That was the other leader. Now, Bhajpa. Yediyurappa never. Yediyurappa never played the religion card. He played only caste card. So, यहाँ पर Modi और Rahul जी के बीच लड़ाई नहीं है. Absolutely no. Take it from me, I don't know what happens because I never covered an election in Bihar or Uttar Pradesh, but I have covered an election in Karnataka. Always in Karnataka, especially in assembly elections, local leaders, the candidates and the performance of the governments, and these are the key issues. After the unification of Karnataka in 1956, the first 25 years, Lingayats were the chief minister of Karnataka
फर्स्ट 25 ईयर्स 25 साल तक लिंगायत थे। उसके बाद में कांग्रेस का देवराज अरस बोल के एक चीफ मिनिस्टर हो गया, वो OBC के था। उसके बाद में लिंगायत लॉस्ट देयर पावर आफ्टर 25 ईयर्स, देवर इन हंगर फॉर द पावर। सो BJP गेव द स्पेस टू द लिंगायत येदुरप्पा जी। सो दैट इज द रीजन ही वर्कड आउट द सोशल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, ही टुक द हेल्प ऑफ द अदर स्मॉलर कम्युनिटीज, विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर OBC communities, BJP came into the power. Not based on the Hindu-Muslim or Hindu-Christian divide was not there at all. आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है सत्ता में? Certainly it's going to happen because corruption is a big issue and Nandini and Amul issue was a very sentimental issue because the thing is the cooperative movement, especially cooperative milk movement in Karnataka is a huge thing. Almost 90% of our villages and 90% of agrarian families, they depend on dairies, milk dairies. Yeah. So if someone wants to touch and someone wants to disturb that, nobody is ready to take that. It's not so easy. इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इस बार तो स्टेट इश्यूज वर्सेस नेशनल इश्यूज, दैट इज द लोकल एंड नेशनल, दैट इज द इश्यू राइट नाउ। जी, द वन फॉर एग्जाम्पल दैट इज द अमूल वर्सेस नंदिनी एंड एवरी वन स्पीकिंग अबाउट द लोकल थिंग्स। सो इफ कांग्रेस टेक्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इट्स अ मैसेज फॉर द सेंट्रल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स एक्चुअली। व्हाट विल हैपन इज, टेक इट फ्रॉम मी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम दिस रिजल्ट।